हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बिना क्रीम के, बिना मलाई से आज हम बना रहे हैं फ्रूट क्रीम। हम फ्रूट क्रीम दूध से ही बनाएंगे। ये हमने दोस्तों 3 ग्लास दूध ले लिया है। अब हम इसे 1 ग्लास होने तक गाढ़ा करेंगे। ये हम कुछ इलायची के दाने कूटकर डाल रहे हैं, कुछ केसर के धागे, चीनी डाल रहे हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे गाढ़ा होने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा गाढ़ा हो गया है दोस्तों। अब हम इसमें अपना ये हमने ड्राई फ्रूट कट किया है। इस ड्राई फ्रूट में दोस्तों काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश सभी ले लिया है हमने। इसको भी दूध में ऐड करेंगे। ये भी हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट सारा। स्लो आंच पर गाढ़ा होने के लिए छोड़ देंगे। गरम में ही ये सभी ड्राई फ्रूट फूल जाएंगे बहुत अच्छे से। दूसरी तरफ हमने ये फ्रूट्स बारीक बारीक कट कर लिए हैं। देखिए दोस्तों, हमने बनाना लिया है, एप्पल लिया है, अंगूर लिया है और ये मेलन लिया है, खरबूजा। इसे भी हमने बारीक बारीक कट कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा दूध काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया है। बिल्कुल 1 ग्लास बचा है। अब हम इसमें फ्रूट ऐड करेंगे। इन सभी फ्रूट्स को हम इसमें ऐड कर रहे हैं। खरबूजा, ये एप्पल, और ये बनाना। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अभी हमने फ्रूट्स डाल दिए हैं इसमें और अब हमें इसे बिल्कुल चील्ड ठंडा परोसना है, इसीलिए अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा फ्रूट क्रीम बिल्कुल चील्ड ठंडा हो चुका है। हमने इसे थोड़े और ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दिया है। अभी आप अपने बच्चों को खिलाइए, बड़ों को खिलाइए, ये बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाला है। गर्मियों में ये सब चीज़ें हमें बना के बच्चों को खिलानी चाहिए। इससे बच्चों का टेस्ट भी बदलता रहता है और बच्चे फ्रूट्स खा भी लेते हैं। मेरी रेसिपी कैसी लगती है दोस्तों, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों, बाय बाय।